बजरंग दल जलालपुर इकाई के तत्वाधान में रामनवमी पर्व पर श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। रामनवमी के पर्व पर श्री शीतला मठिया मंदिर परिसर में भजन कीर्तन एवं राम धुन का सस्वर पाठ करते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने समूचे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। उपस्थित बजरंग दल कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं को श्री राम महिमा का गुणगान करते हुए तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट अध्यक्ष केशव प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि भगवान श्री राम समस्त मानवता के आराध्य देव एवं आदर्श पुरुष हैं। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ, तब तक अन्य किसी भी धर्म का प्रादुर्भाव धरती पर कहीं भी नहीं हुआ था। सारी मानवता ने भगवान श्री राम को अपना आराध्य स्वीकार किया, इसलिए सभी लोगों को श्री राम को अपना आराध्य मानकर अपने अपने घरों में श्री राम जी की मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रकाट्य हुआ और इस अवसर पर समस्त सृष्टि अपना नवीनतम स्वरूप धारण करती है। और इस अवसर पर ब्रजेश सिंह ने बताया कि आज के दिन का खास धार्मिक महत्व है। सनातन धर्म परंपरा की मान्यता के अनुसार चैत्र की रामनवमी के दिन अयोध्या के महाराज दशरथ को विष्णु के सातवें अवतार के रूप में राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन अयोध्या से लेकर पूरे देश और विश्व में व्रत रखकर राम की पूजा करके श्रद्धालु उनका जन्मदिन मनाते हैं। कार्यक्रम का समापन भगवान श्री राम की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ जय श्री राम जय मां गंगोत्री भारत माता की जय आदि के नारों के उद्घोष के साथ हुई।